सकते हैं। सिद्धार्थ मेरे को एक बात बता, तू बिजनेसमैन है या इन्वेंटर है? सर मैं एक इन्वेंटर हूँ। इन्वेंटर तो कोई तेरे को बोलेगा ना, तू खुद को ही क्यों बोले जा रहा है? सेल्फ ऑब्सेशन। तो ये तो वो बच्चों वाला है होता ना कि मेरे को एक दिन इन्वेंटर बनना है, मैं एक दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये तो वो वाली कहानी हुई। सर इन्वेंशन करना मेरा गोल नहीं है, मेरा जो मैंने अभी तेरे से पूछा तू इन्वेंटर है बिजनेसमैन, तूने बोला मैं इन्वेंटर। सर, इन्वेंटर इसलिए क्योंकि मेरे नाम पे 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, मतलब टेक्निकली क्या हो गया यार? एडिसन ना किसी एडिसन को देख के एडिसन नहीं बना था, उसके दिमाग चल रहा था कि कुछ क्या क्या बनाना है उसको, राइट, या क्या इन्वेंट करना है। तू तो बस वॉनबी सुपरस्टार है भाई। तू occupational wise I'm an automotive mechanical engineer, that's who I am. That is education wise, not occupation wise. kuch nahi hai bhai, tu kya bana raha hai yaar? ye nehru place ki patri pe bikta hai 15 rupaye ka, okhla mein banta hai injection molding se, kya bech raha hai tu? tune kisi ki seat par baat kari germany ki university pe? agar tu uske baad ye wale baith ke faltu ke kaam karne pe aa gaya? जर्मनी में 2 साल मैं एम्स्टरडैम नहीं घूमा हूँ, मैं 2 साल 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है। Good. मैं बहुत ब्रिलियंट लोगों में नहीं आता हूँ, बट मेहनत एक ऐसी चीज है जिस पे मैं खड़ा हूँ और जो जिसने मेरे को जो बनाया। तू अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, अपनी जिंदगी पर बात कर रहा है, वापस अपनी डिग्री उठा, जर्मनी जा, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर और समझ के इंजीनियरिंग कंपनी धंधा कैसे करती है। आपने वो देखी है मूवी, देखी है 3 Idiots? एब्सोल्युटली सर। तो आप ना दो कैरेक्टर की तरह, एक था फुनसुक वांगडू जो ऐसे प्रोडक्ट बनाता था, और एक था चतुर जी। चतुर वो था जिसने बोला था इडियट्स वो मैं लिख रहा हूँ और वो याद रखना। फर्क पता है क्या था दोनों कैरेक्टर में? जो एक कैरेक्टर था ना वो उसके मिशन की तरफ जाता रहा, दूसरा कैरेक्टर जो था ना वो कंफ्यूज कैरेक्टर था जो खाली पढ़ाई करता। तो आपने बोला मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं ये भी बना रहा हूँ, मैं फोकस हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, इसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। ये सभी भाई सिर्फ ये प्रोडक्ट पूरा कमोडिटाइज्ड है। दिस इज नॉट एन आविष्कार, दिस इज अ कॉपीकैट प्रोडक्ट एंड अ बैड वन। देखो यार मेरे को आप में बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे। क्या एज बताइए आपने? सर 28 साल। कुछ चीज सिमिलैरिटीज है हमें, मैं इसका मतलब ये नहीं मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूं। जी जी जी। बट मैं भी बहुत पढ़ता था, मैंने भी IIT के लिए अप्लाई किया, मेरा भी IIT शायद 100-200 रैंक से रह गया, मैं भी उसके बाद बाहर गया पढ़ने, ठीक है? तो काफी सिमिलैरिटी लग रही है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब में। और परसिस्टेंट रहे हो आप, जो अच्छी बात है, परसिस्टेंस अच्छी बात है, और अभी तो आप यंग हो बिल्कुल यार। कुछ अलग करा है सर, ये व्हील असेंबली मशीन है, इमेजिन आपका टायर फ्लैट होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है, जस्ट टेक इट आउट, प्लग इट विद योर व्हीकल सिस्टम जहां से आप एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, एंड प्लेस इट, यू रिमूव द व्हील एंड अरे भाई ये हो चुका है यार, ये प्रोडक्ट मिलता है US में यार।